तो अब तक आपने देखा कि कैसे कुछ बुरे लोगों की टीम जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है माइकल और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बीज में कन्वर्ट कर देते हैं। देखने के लिए मिलता है कि उनके पास एक ऐसी गन है जो कि किसी भी बंदे को ज़ॉम्बी बना सकती है। एंड यहाँ पर जैसे ही फ्रैंकलिन को यह पता लगता है कि यहाँ पर ये लोग लॉस सैंटोस में बहुत ही ज्यादा ताकतवर ज़ॉम्बीज यहाँ पर तैयार कर रहे हैं एंड यहाँ पर लॉस सैंटोस को तबाह करने वाले हैं, वो माइकल और उसके बेटे को बचाने जाता है। पर जो बुरे लोग होते हैं उनकी टीम इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि वो फ्रैंकलिन को एक मुक्के में पटक देते हैं और वो माइकल और उसके बेटे को अपने साथ गाड़ी में ले जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि क्या फ्रैंकलिन माइकल और उसके बेटे को बचा पाता है या फिर क्या होता है आगे स्टोरी में। चलिए स्टार्ट करते हैं। यार फ्रैंकलिन ठीक तो हो यार? अबे भाई साहब, गाइस यार पूरा का पूरा भाई साहब 24 घंटा बीत गया और गाइस मैं पूरे बेड पे था। भाई साहब तेरे को तो होश भी आधे घंटे पहले आई है और तू वीडियो स्टार्ट कर रहा है। अबे मैं बता क्या करूँ गाइस, दिक्कत इतनी बड़ी हो चुकी है कि गाइस अब अगर मैं रुक गया ना तो पता नहीं गाइस वो लोग माइकल और उसके बेटे का क्या करेंगे। अरे यार माइकल और उसका बेटा तो यार ज़ॉम्बी बन चुके हैं यार, अब यार हम कुछ नहीं कर सकते। अबे नहीं यार गाइस, कोई ना कोई तरीका तो होगा भाई साहब उनसे निपटने का। भाई साहब कल वे भूल जा भी तू माइकल को बचा लेगा, भाई साहब वो बंदे ही बहुत खतरनाक है बे। अबे गाइस बात सही है यार चोप की, बिल्कुल भी गाइस वो नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज गाइस उनके मुक्कों से आग निकलती है यार। एक मुक्के में भाई साहब मेरे को पटक दिए, इतने सारे पावरफुल लोग है ना वो। एंड गाइस आपने जैसे पिछली वीडियो में देखा उनको गोलियों का कोई असर भी नहीं होता यार, तो उनको मैं मारूं कैसे, एक तो ये दिक्कत है। और यार वो क्या करना चाहते हैं यार, माइकल अंकल की पूरी फैमिली को भी ज़ॉम्बी बना दिया है। अबे यही तो गाइस सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि गाइस वो बिल्कुल भी लॉस सैंटोस में वायरस नहीं फैला रहे, वो बस कुछ चुनिंदा बंदों को भाई साहब यहाँ पर ज़ॉम्बीज बना रहे हैं। पता नहीं गाइस उनका प्लान क्या है यार, वो तो गाइस आगे ही आगे स्टोरी में पता लगता रहेगा। बट गाइस जो बात की अभी मुझे टेंशन है वो यही है यार कि माइकल को भाई साहब बचाना है यार। भाई साहब माइकल का बेटा, माइकल की बीवी, भाई साहब सभी ज़ॉम्बी बन चुके हैं बे। और यार वो तो पता भी नहीं यार माइकल और उसके बेटे को कहां ले गए। भाई साहब चल भी अगर तेरे को पता भी लग जाता है तो भी उनका क्या ही उखाड़ लेगा, उनको ना गोलियों का असर होता है ना किसी चीज का, तो भाई साहब तू भूल जा बे उनसे मुकाबला कर लेगा। अबे यार गाइस कोई तो तरीका होना चाहिए यार, हम हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठ सकते यार। लॉस सैंटोस पे जब भी मुसीबत आई है हमेशा गाइस यहां पर मैं आगे बढ़कर यहां पर लॉस सैंटोस को बचाता हूं, बट यार इस बार भाई साहब मैं ही गाइस यहां पर बिल्कुल भी कुछ कर नहीं पा रहा। अरे यार आपकी गलती नहीं है यार, इस बार दुश्मन ही ज्यादा खतरनाक है। अबे वो तो सही है यार, कुछ ना कुछ तो तरीका होगा। भाई साहब इनसे निपटने का तरीका तो भाई साहब कोई अच्छा साइंटिस्ट ही बता सकता है। अरे यार हाँ फ्रैंकलिन भैया, अगर आपका कोई दोस्त है यार तो बताओ यार, उससे पूछ कर आएंगे यार कि ये आदमियों को कुछ होता क्यों नहीं। अबे सही है यार गाइस, उनसे पूछना तो पड़ेगा। भाई साहब एक तरीका है मेरे पास। भाई साहब क्या तरीका है बे? मेरे को गाइस यहाँ पर एक साइंटिस्ट भैया जानते तो हैं, वैसे तो गाइस वो माइकल के दोस्त थे, बट गाइस यहाँ पर अब माइकल मुसीबत में है तो पक्का वो मेरी तो हेल्प कर ही देंगे। अरे यार कौन है वो? अरे यार पिछली भी बहुत सारी वीडियोस में हम उनके पास गए हुए हैं यार, गाइस शायद वो इस वक्त हमारी हेल्प कर पाए, तो यार जल्दी से चलें क्या? भाई साहब तू रेडी है क्या जाने के लिए? अबे हाँ बे, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार, कैसे मर्जी कर गाइस यहाँ पर माइकल को बचाना मेरी जिम्मेदारी है, गाइस मैं बचा कर हटूंगा। जल्दी से गाड़ी में बैठो। अरे यार फ्रैंकलिन भैया यार मैं आ रहा हूँ यार, एक सेकंड तो रुको। अबे रुकने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है यार, यहाँ पर गाइस लॉस सैंटोस मुसीबत में, पता नहीं गाइस वो माइकल को भाई साहब और उसके बेटे को ज़ॉम्बी बनाकर क्या करेंगे। एंड गाइस पता नहीं यार वो इतने ज्यादा खतरनाक ज़ॉम्बीज क्यों क्रिएट कर रहे हैं यार, शायद गाइस बहुत बड़ा भाई साहब काम होने वाला है लॉस सैंटोस में। भाई साहब क्या पता बे लॉस सैंटोस में तबाही मचने वाली हो। अबे तू भाई साहब कुछ ढंग की बात कर ले, अगर ढंग की बात नहीं करनी तो बोलती तो बंदी रख। भाई साहब कलवे यार तेरे को क्या पता बे, मेरे को तो टेंशन हो रही है बे तेरी। अबे मेरी क्यों टेंशन हो रही है? भाई साहब क्योंकि तू अकेले ही आगे जाएगा लॉस सैंटोस बचाने के लिए और भाई साहब पिछवाड़ा भी तेरा नोचा जाएगा। अरे यार सही बात है यार, फ्रैंकलिन भैया बचाते बचाते खुद ही ना मर जाए। अबे भाई साहब दोनों गाइस कैसी बातें करते हैं यार, यहाँ पर अभी कुछ हुआ है नहीं भाई साहब, मेरे को मारने में पहले तुले हैं ये। भाई साहब कलुए बे तेरे को ध्यान से चलना चाहिए, ये हम कहने की कोशिश कर रहे हैं। अबे ठीक है यार मैं तो ध्यान से चल ही रहा हूँ, बात तो गाइस यहाँ पर बेसिकली उन गुंडों की है या फिर उन भाई साहब बंदों की है, तो मुझे उनका नाम भी नहीं पता यार क्या है भाई साहब। भाई साहब जो भी है बे वो लोग बहुत बुरे हैं। अबे हाँ भाई साहब ढंग के लोग होते तो ऐसा काम नहीं करते। गाइस यहाँ पर कैसे माइकल को ज़ॉम्बी बना दिया था पिछली वीडियो में गाइस आपने देखा ही होगा, भाई साहब क्या हाल कर दिया था यार बेचारे माइकल का, शक्ल आपने देखी होगी यार बहुत बुरी कर दी थी। अरे यार अभी के लिए शक्ल पे तरस खाना बंद करो और जल्दी से साइंटिस्ट के पास चलो यार, वो हमारी आखिरी उम्मीद है। अबे हाँ यार साइंटिस्ट गाइस हमारी आखिरी उम्मीद है, बिकॉज अगर वो कोई हेल्प ना कर पाए तो भाई साहब पता नहीं क्या करेंगे। चलो गाइस जो भी है भाई साहब जल्दी से उसके पास चलते हैं। गाइस अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं मारा तो वीडियो को लाइक मार दो, बिकॉज गाइस यहां पर बहुत दिक्कतें चल रही हैं यार, अगर आप वीडियो को लाइक नहीं मारोगे तो हम कैसे लड़ेंगे सबसे। भाई साहब
सही है बे, सारा दिमाग तो हम लगा रहे हैं भाई साहब, आप लोग वीडियो लाइक कर दो और आराम से बैठो, कोई टेंशन की बात नहीं है बे, सब कर लेंगे। अबे यार वाह गाइस, यहां पर चोप कितनी बढ़िया मोटिवेशन देता है। चलो गाइस वो सारी बातें छोड़ो यार, अब जल्दी से साइंटिस्ट के पास चलते हैं गाइस, आपसे मिलते हैं, देखते हैं भाई साहब साइंटिस्ट क्या कहता है। अरे यार फैंकिल भी, आप कितने बेकार आदमी हो यार, लो सेंटोस मुसीबत में है और आपको बीच पे घूमना है। ओ अकल के अंधे भाई साहब, मैं बीच पे नहीं घूम रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर उसका घर ढूंढने आया हूँ, एंड गाइस यहाँ पर मुझे लगता है यही है उसका घर। भाई साहब तू पक्का श्योर है क्या ये हमारी हेल्प कर देगा? अबे माइकल का दोस्त है यार, अब दोस्त अगर इसी टाइम पे काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे? तो गाइस चलो, अबे आ रहा है तू? अरे यार आ रहा हूँ यार, आपसे कौन सी बात होगी यार, बड़े बंदों ने बात करनी है। अरे ये कौन आ रहा है? अबे पता नहीं कौन है भाई साहब, कौन हो आप? अबे गाइस ये तो गुस्से में लग रहा है, क्या हुआ? अरे मेरे पैसे दे। अबे कौन से पैसे? अबे जो कल लेकर गया था अभी तक नहीं मोड़े। अबे भाई मैं कोई पैसे नहीं लेकर गया तेरे। अबे दे रहा है या नहीं? अबे भाई साहब पहले दिक्कतों का सामना कर रहा हूँ मैं, तू मत आ मेरे से पिटने। अबे तू पैसे दे। अबे भाई साहब नहीं है, तेरे को समझ नहीं आ रही क्या? भाई साहब तेरी तो ये ले, तेरी ऐसी तैसी भाई साहब, ये ले। अबे भाई साहब मेरे से लड़ेगा, ये ले तेरी तेरी तो। अरे यार फेंकली भी ऐसे ही उनसे भी लड़ लो यार। अबे भाई साहब जिससे लड़ना है वो गाइस आ नहीं रहा, ये पता नहीं कौन बेवकूफ भाई साहब ऐसे पीछे पड़ रहे हैं। तो गाइस चलो यार जल्दी से साइंटिस्ट के ऑफिस चलते हैं। भाई साहब गाइस यहीं पे है उसका ऑफिस, चलो अंदर जाकर इससे बात करते हैं सबसे पहले। बस गाइस हमारे से बात कर ले सबसे पहली बात तो ये। अबे और ऊपर जाना अभी तो। भाई साहब कल मैं नीचे पहरा दे रहा हूँ। अबे तू पहरा दे ले, मैं जब तक भाई साहब इनसे बात कर आता हूँ। वेल तो गाइस यहाँ पर हम अंदर आ चुके हैं। आइए आइए, बड़े दिनों बाद कोई आया। अरे मैं जानता हूँ शायद तुम्हें, तुम तो माइकल के दोस्त हो ना? अबे हाँ यार सर, आपने बड़ी जल्दी पहचान लिया। अरे साइंटिस्ट सब जानते हैं, माइकल नहीं आया तुम्हारे साथ? अबे सर माइकल के बारे में तो बात करने आया हूँ। अरे यार हाँ यार, वो टपक लिए। हाँ कब? अबे भाई साहब बेवकूफ हो गया क्या? अरे नहीं सर टपके नहीं है यार, मतलब हाँ आप कह सकते हो आधा टपक चुका है। अबे आधा टपक चुका है? अबे तुम कहना क्या चाह रहे हो यार, थोड़ा विस्तार से तो बताओ, ऐसे ही मेरी दिल की धड़कन तेज कर रहे हो। अबे मतलब यार बात कुछ ऐसी है कि उसको भाई साहब पता नहीं किसी ने कुछ ज़ॉम्बी बना दिया है। ज़ॉम्बी बना दिया है? अबे ये ज़ॉम्बी वायरस तो खत्म हो चुका था, फिर से चल पड़ा क्या? अबे सर वही तो मेरे को नहीं पता, पर भाई साहब इस बार कोई ज़ॉम्बी वायरस नहीं है, वो लोग कुछ चुनिंदा बंदों को वो बना रहे हैं ज़ॉम्बीज। कौन लोग? अबे उन्हीं के बारे में तो मैं बात करने आया हूँ यार, वो भाई साहब माइकल और उसके बेटे को और उसकी पूरी फैमिली को ज़ॉम्बी बनाकर ले गए हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि वो लोग जो भी हैं भाई साहब, बस उन्होंने एक मास्क डाला हुआ है अपने मुंह पे, और भाई सबसे बड़ी बात यह है कि उनको कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं उनको? अबे बिल्कुल भी नहीं यार, जितना मर्जी मार लो भाई साहब, मुक्के लात भाई साहब सब मार कर देख लिया। कल तो भाई साहब पूरी की पूरी गोली मैंने उसके ऊपर खाली कर दी, पर फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ। ओह ये तो बहुत ही सोचने वाली बात है। अबे सर यार इतना ऐसा मत करो यार, हम आपके पास आए कि आप हमें कोई रास्ता दिखाओगे। अरे रास्ता क्या है, आप खुद ही आए हो यहाँ पे, रास्ता दिखाना ही नहीं पड़ा। अरे सर मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ यार, मुझे बताओ उनसे निपटने का कोई तरीका ताकि मैं माइकल को बचा पाऊँ। अरे देखो अगर तुम मेरे से ये मदद मांगने आए हो कि उन बंदों को तू कैसे हरा सकता है, तो बात ऐसी है कि मैं तेरी उस पे कोई मदद नहीं कर सकता। अबे सर ये तो गलत है। अरे पूरी बात तो सुन ले। हाँ हाँ बोलो बोलो। पर लेकिन अगर तू उनमें से किसी एक बंदे को मेरे पास ले आए तो शायद मैं उसका DNA टेस्ट कर तुझे बता पाऊँ कि उनको क्यों नहीं कुछ होता, और तेरे लिए कुछ ऐसा हथियार क्रिएट कर पाऊँ जो कि उनको हरा सके। अबे मतलब अब भाई साहब मेरे को उनमें से एक बंदा लेकर आना पड़ेगा आपके पास, और आप उसका DNA टेस्ट करोगे? हाँ, फिर पता लग जाएगा ना कि ऐसे कौन सी मिट्टी के बने हैं वो, और फिर उसके लिए हम हथियार बना देंगे। माइकल के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ मैं। अबे यार वो तो आपने बहुत सही किया यार, बट यार गाइज भाई साहब उन बंदों में से भाई साहब एक भी बंदे को लेकर आना नामुमकिन टाइप है, क्योंकि गाइज वो इतने ताकतवर है, मैं उनको लेकर कैसे आऊंगा? टियर गैस के थ्रू? टीयर गैस के थ्रू? अबे हाँ ये सही है। अरे यार फैकल्टी भी, हाँ यार टीयर गैस के थ्रू यार वो बेहोश हो जाते हैं, उसके बाद साइंटिस्ट अंकल के पास लेकर आएंगे, फिर यार साइंटिस्ट अंकल शायद हमारे लिए कोई बढ़िया इसका हथियार बनाकर दे दे, जिसके साथ हम उन सबको हरा देंगे और माइकल अंकल को बचा लेंगे। अबे हाँ गाइज ये प्लान बिल्कुल सही लग रहा है यार। गाइज आपको प्लान कैसा लगा यार, जल्दी से यहाँ पर जिसको प्लान बढ़िया लगा जल्दी से कमेंट में जाओ और फायर वाले इमोजी डाल दो भाई साहब, अगर आपको ये प्लान बढ़िया लगा तो। सर ठीक है यार मैं रेडी हूँ। जरूर ध्यान से जाना, बस उसको मेरे पास ले आओ, उसका DNA टेस्ट कर देख लेंगे कि क्या उनके DNA में ऐसा है जो कि उनको बचा कर रखता है। अबे सर ठीक है यार, वैसे तो गाइस पक्का उन्होंने कोई भाई साहब दवाई ववाई ली होगी जिसके साथ ऐसा हो रहा है। बाकी गाइस कोई नहीं, थैंक यू अंकल अब हमारी हेल्प करने के लिए। तो गाइस जल्दी से भाई साहब चलते हैं, उनका DNA लेकर आना है, मतलब उनका DNA लेकर नहीं आना, मतलब उनको लेकर आना है। अरे यार थैंक यू भैया, चलो यार फिर एक को तो हम उठा लाएंगे। अबे हाँ गाइस, पर उसके लिए भी कुछ प्लान बनाना पड़ेगा, बिकॉज उनमें से एक को उठाना भी मुश्किल है यार, एक और मुक्का मेरे पड़ गया ना तो भाई साहब मैं ना मर जाऊं।
चलो गाइस यहां पर सबसे पहले बाहर चलते हैं। अरे यार फ्रैंकलिन भैया आपको क्या लगता है यार, काम बहुत ज्यादा आसान हो चुका है ना? अबे यार आसान तो नहीं कह सकते, बट गाइस ये जरूर कह सकते हैं कि भाई साहब शायद अब हम कुछ कर पाए। बाकी गाइस देखते हैं यार क्या होता है। सबसे पहले तो यहां पर चोप के पास चलते हैं। भाई साहब कल ये कुछ बना क्या? अबे हां बन गया भाई साहब, मतलब अब उसको मार डालेंगे हम? अबे नहीं यार, उनमें से एक बंदे को भाई साहब यहाँ पर लेकर आना पड़ेगा, उसके ऊपर यहाँ पर साइंटिस्ट टेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हमें कुछ ऐसा हथियार बनाकर देंगे जो कि उनको हराने में काम आएगा। भाई साहब कलवे तू पागल वागल हो गया क्या, उसको कैसे लेकर आएंगे? अबे ये बात तू मेरे पे छोड़ दे। गाइस यहाँ पर उन्होंने पक्का माइकल के घर के बाहर कोई ना कोई बंदा तो खड़ा किया होगा ताकि गाइस कोई इन्वेस्टिगेशन करने आए तो उसको मार पाए। तो गाइस हमें वहीं पे जाना चाहिए एंड गाइस वहीं पे उनका कोई बंदा हमें मिल जाएगा एंड गाइस वहीं पे उसको बेहोश कर साइंटिस्ट के पास ले आएंगे। अरे यार आइडिया बहुत मस्त है, जल्दी चलो यार। अबे हाँ यार गाइस चलो जल्दी से चलते हैं। भाई साहब जल्दी से गाइस यहाँ पर माइकल के घर के पास जाकर आपको मिलते हैं। भाई साहब कल ये बस जैसा प्लान बनाया है काम वैसा हो जाए। अबे वही तो मेरे को टेंशन है यार, अगर गाइस कुछ भी इधर उधर हुआ ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। वेल तो गाइस माइकल के घर तो पहुंच चुके हैं बट माइकल यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला। देखो गाइस यहाँ पर मैंने कहा था भाई साहब उनके बंदे यहाँ पर खड़े हैं, दो बंदे खड़े हैं यार। अरे यार अब कैसे उठा कर लेकर जाएंगे यार एक को? अबे रुक यार मुझे सोचना पड़ेगा गाइस, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आइडिया बिठाना पड़ेगा। भाई साहब आइडिया तो शिनचैन बिठाएगा अपना। अरे यार हाँ, और यार आप क्या बंदरों जैसे चढ़े जा रहे हो ऊपर। अबे तुम दोनों थोड़ी देर के लिए यहीं पे खड़ो, मैं करता हूँ इंतजाम। अरे यार ध्यान से जाना यार। अबे हाँ हाँ तुम दोनों टेंशन मत लो। गाइस यहाँ पर मेरे पास एक बहुत ही मस्त वाला आइडिया गाइस, देख सकते हो भाई साहब वहाँ पर गाइस ये दोनों खड़े हैं एंड गाइस यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ तरीके से इनको सबसे पहले अलग करना होगा, उसके बाद एक को बेहोश कर भी लेकर जाना यार। अरे तूने सुना, बॉस ने उनको इंजेक्शन देना स्टार्ट कर दिया है, जल्द ही हमारी गैंग सबसे ताकतवर गैंग होगी लॉस सैंटोस की। अरे ये हुई ना बात, मुझे बॉस पर पूरा भरोसा था। ओ तो गाइस ये खिचड़ी पकड़ी है इनकी। भाई साहब इसका मतलब गाइस ये कुछ ऐसे ताकतवर बंदे इकट्ठे करना चाहते हैं जिसके साथ भाई साहब ये लॉस सैंटोस पे कब्जा कर पाए भाई साहब यार। पर गाइस अभी मेरे पास एक आइडिया आ चुका है, मेरे पास गाइस पक्का कुछ ना कुछ बढ़िया होगा इनको भाई साहब यहाँ पर थोड़ा सा दूर लेकर जाने के लिए। तो यार गाइस यहाँ पर मुझे लगता है बॉल बिल्कुल सही रहेगी। अब गाइस करना कुछ ऐसा है कि बॉल को थोड़ा उधर को फेंक देना है ताकि गाइस इनका ध्यान भटक जाए एंड गाइस यहाँ पर ये पक्का भाई साहब एक बंदा साइड पे हो जाएगा एंड गाइस दूसरे को हम बेहोश कर ले जाएंगे। तो गाइस चलो बॉल फेंकते हैं सबसे पहले। भाई साहब गाइस बॉल फेंक दी यार और गाइस यहाँ पर वो गिरी गाइस बॉल। ये क्या हलचल थी? अबे चिड़िया होगी। अबे नहीं, यहाँ पर बॉल के साथ कौन खेल रहा है? कौन है यहाँ पे? ये बॉल किसने फेंकी हुई? यहाँ पर बैट बॉल कौन खेल रहा है? बाहर को है बैट बॉल कौन खेल रहा है? अबे यार गाइस ये बिल्कुल सही मौका है यार, वो वहां पर चला जा चुका है। भाई साहब जल्दी से गाइस मुझे टीयर गैस यहां पर सबसे पहले उठानी पड़ेगी। चलो गाइस यहां पर टीयर गैस मैंने उठा लिया, भाई साहब जल्दी से गाइस उसके मुंह के पास फेंक कर आते हैं। भाई साहब इसके बाद गाइस वो बेहोश जरूर हो जाएगा, बस गाइस कुछ गलत ना हो। और गाइस यहां से भाई साहब टीयर गैस निकलेगी नहीं यार, सामने से जाना पड़ेगा, बस ये मुझे देख ना ले। वैसे भी गाइस देख लिया तो क्या ही हो जाएगा, अब तो ये बस बेहोश होने वाला है। तो गाइस जल्दी से फेंक देते हैं। ये गाइस मैंने गैस फेंक दी और गाइस यहां पर बस ये अपना काम दिखा दे। अबे ये धुआं कैसा? ओ सिर चकरा रहा है। ओए भैया इधर आओ, देख यहाँ पर किसने गैस फेंक दी। अबे ये क्या है? अबे तेरी की। अबे यार गैस वो बेहोश हो चुका है यार, अबे जल्दी से गाड़ी लेकर आओ। अरे यार फेंकली भैया काम बना क्या? अबे काम की बात छोड़, सब कुछ हो चुका है, जल्दी से गाइस उसको लेकर जाना पड़ेगा। भाई साहब जल्दी, भाई साहब कलो इससे पहले कि उसका दूसरा साथी आए इसको उठा ले। अबे हाँ गाइस मैं उठा रहा हूँ यार, वैसे भी गाइस ये बेहोश हुआ है यार, मरा नहीं है, हमें ये बात याद रखनी पड़ेगी। जल्दी से इसको उठाता हूँ भाई साहब और गाड़ी के ऊपर रखता हूँ। भाई साहब कलो बिल्कुल सही रखा है, जल्दी से चल अब। अरे यार फेंकली भैया आगे गर्म होता है यार, उसका पिछवाड़ा जल जाएगा। अबे तुझको उसकी इतनी टेंशन है तो तू यहाँ पर लेट जा। भाई साहब यार जल्दी से चल कर लो, टाइम नहीं है लड़ने का, अगर ये होश में आया ना तो भाई साहब हम तीनों को बेहोश कर देगा। अबे बेहोश नहीं, जान से मार देगा गाइस, ये पावरफुल बहुत है यार, ये सिर्फ और सिर्फ अभी बेहोश हुआ है। अगर गाइस एक बार यहाँ पर ये खड़ा हो गया ना, इसको गाइस यहाँ पर मारना नामुमकिन है। तो गाइस जल्दी से साइंटिस्ट के पास लेकर चलते हैं यार। भाई साहब जल्दी से चलो यार, गाइस वीडियो को लाइक मारो यार, भाई साहब बहुत ज्यादा आज हम रिस्क ले रहे हैं भाई साहब। अबे सही है गाइस, यहाँ पर आज बहुत सारे रिस्क ले रहे हैं यार, जल्दी से वीडियो को लाइक मारो। और यार भाई साहब जल्दी से साइंटिस्ट के पास चलते हैं। भाई साहब पहुंच गए, जल्दी से गाड़ी रोक ले। अबे यही था ना गाइस, यहाँ पर जल्दी से चलो यार, पहुंच चुके हैं अब गाइस, इसको लेकर आना पड़ेगा सबसे पहले। भाई साहब ये मैंने हाथ में क्रोबार क्यों उठाया? अबे यार गाइस अगर ये होश में आ गया। अरे यार अगर बातें करोगे तो होश में आ भी जाएगा और यार ये तबाही मचा देगा। अबे हाँ यार गाइस अब जल्दी से इसको उठाकर लेकर जाते हैं, ऊपर लेकर जाना है भाई साहब इसको। अबे वाह यार, मेरे को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी तू इसको ले आएगा यार।
अबे सर यार अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो यार, अगर ये उठ गया तो भाई साहब हम तीनों में से कोई नहीं बचने वाला यहाँ पे। अरे यार हाँ यार, इसका जो भी डीएनए वीएनए टेस्ट लेना है जल्दी ले लो यार, और यार हमें कुछ बनाकर दे दो जो जिनसे यार हम इनसे लड़ पाए। अबे हाँ यार साइंटिस्ट अंकल जल्दी से करो। अरे बस इसके लिए थोड़ा ही टाइम लगेगा। अबे यार तो जल्दी करो। अरे बस थोड़ी देर में, बस 5 मिनट लूंगा और इसके लिए कोई ना कोई एंटीटॉट बन जाएगा। अबे यार जल्दी इसको लैब के अंदर लेकर जाते हैं गाइस। यहाँ पर अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो अगर आप सभी लोग चाहते हो कि ये अंकल, अरे मतलब कि साइंटिस्ट अंकल, अरे हाँ गाइस साइंटिस्ट अंकल जल्दी से भाई साहब हमारे लिए वो वेपन तैयार कर दें जिसके साथ हम इनसे लड़ पाए। तो गाइस जल्दी से लाइक मारो यार, और गाइस हम जल्दी से आपको वेपन तैयार करवा कर मिलते हैं। देखा फ्रैंकलिन, मैंने कहा था ना। अबे सर क्या आपको पक्का लगता है ये कोई काम की चीज है? अबे मैं बोल रहा हूँ ना, ये पक्का काम करेगी। इन सभी लोगों ने एक बहुत ही खतरनाक वाला केमिकल पिया है जो कि इनकी बॉडी को बचाता है कोई भी अटैक से। इनके ऊपर ट्रक चढ़ा दो चाहे ट्रेन, इनको कुछ नहीं होने वाला। अबे भाई साहब इतने ताकतवर लोग भी है क्या लॉस एंजेलिस में? मेरे को डर लग रहा है इससे। अरे यार फ्रैंकलिन यार सोचो यार, ये यार अकेला इतनी तबाही कर सकता है तो यार इसका बॉस कितना ताकतवर होगा। अबे प्लीज यार इसके बॉस की तो बात ही मत कर यार, वो तो गाइस अभी तक देखा भी नहीं हमने। इनका बॉस तो भाई साहब इनका बाप होगा, तो गाइस वो तो भाई साहब अमर लगता है मेरे को। नहीं ये अमर बिल्कुल भी नहीं है, बस ये ताकतवर बहुत है, तो थोड़ा ध्यान रखना। वैसे ये जो मैंने तेरे को गन दी है ये तेरी पूरी मदद करेगी तेरे दोस्त माइकल को लेकर आने के लिए वापस। अबे पर यार वो ज़ॉम्बी बना हुआ है यार, उसको ठीक भी तो करना होगा। अरे वो मेरे पे छोड़ देना, थोड़े दिनों में उसका एंटीटॉट भी बना दूंगा मैं। अबे यार गाइस साइंटिस्ट अंकल इतनी मदद कर रहे हैं यार हमारी, भाई साहब वीडियो को लाइक मार दो यार साइंटिस्ट अंकल के लिए। मैं कोई मदद करूं? अबे भाई साहब ये कौन बोला? अरे यार ये जिंदा कब हो गया? ओए तेरी की भागो है, जल्दी से भागो भागो यहाँ से। अबे भाई साहब ये साइंटिस्ट अंकल कहाँ गए? अरे यार वो तो भाग गए यार, और ये किसको फोन लगा रहा है? अबे ओ भाई साहब तेरे को डर नहीं लग रहा क्या भाई साहब हमसे? अरे बस अपना हाल चाल बता रहा था, अब बोल तेरे को क्या दिक्कत है? अबे इतनी अकड़ से मत बोल भाई साहब, हाथ में देख मेरे क्या है, मार ले क्या ही हो जाएगा। हाँ भाई साहब तेरे को ये ले तेरी तो भाई साहब गाइस इसकी आज तो खोपड़ी। अबे यार गाइस भाई साहब इसको तो गाइस यहाँ पर सच में कुछ नहीं होता भाई साहब, किस मिट्टी का बनाए बे तू? अब अपनी खैर बना ले, क्या प्लानिंग कर रहे हो तुम सब मेरे को जल्दी से बता दो इससे पहले कि मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूँ। हम कोई प्लानिंग नहीं कर रहे भाई साहब, ठीक है ना? और तेरी तो भाई साहब ये ले भाई साहब ये सप्रेसर के साथ मारूंगा। अरे यार फेंकली भाई उसके साथ मारो ना यार। अबे हाँ यार गाइस मैं तो भूल ही गया था यार, मैं तो भाई साहब बिल्कुल ही भूल गया था उसके बारे में। किसके बारे में? वैसे भी तू मेरे को नहीं मार पाएगा बेटा, छोड़ दे। अबे अभी तेरे को पता लगेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा था। शिनचैन तैयार है क्या? अरे यार मैं तो पूरा रेडी हूँ। अबे भाई साहब तेरी तो, अबे भाई साहब ये क्या था? अबे रुक तेरी ऐसी तैसी, तेरी तो भाई साहब भाग तक आए बे, आप भाग कर दिखा। ओ ये क्या मारा तूने? अबे भाई साहब गाइस यहाँ पर ये चीज काम करती है बे। अरे यार साइकिल भी इससे तो कोई इलेक्ट्रिक वेव निकलती है यार। और यार गाइस इसके साथ भाई साहब इसको मैं मार पा रहा हूँ। अबे कौन है तू? अबे मेरा नाम है फ्रैंकलिन, और भाई साहब अब देख रहे तुम्हारी सारी गैंग ऐसी खत्म कर डालूंगा। अब भाई साहब मुझे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब भाई साहब सबसे पहले तेरे को तो खत्म कर दूं। अबे रहने दे यार, छोड़ दे, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? अबे तूने तो सबसे ज्यादा बिगाड़ा है बे। अगर बचना चाहते है तो सबसे पहले मुझे ये बता तुम सबका अड्डा कहाँ पर है? अरे वो तो मैं नहीं बता सकता। नहीं बताएगा अड्डा? नहीं बताएगा भाई साहब मेरे को? अबे बताता हूँ मत मार। हाँ जल्दी से बोल। हमारा अड्डा लॉस सैंटोस की पुरानी घाटी के पास अंडरग्राउंड बंकर में। ओके भाई साहब तो अब तुम मर जा बस। अबे यार गाइस यहाँ पर इसको तो भाई साहब पूरा मजा चका दिया। अब गाइस हमें डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज अब हमारे पास बहुत ही ताकतवर वाला वेपन है। और यार अब इस वेपन के साथ यार सबका खोपड़ा तोड़ डालेंगे। हाँ गाइस वक्त आ चुका है भाई साहब माइकल को बचाने का, तो जल्दी से बाहर आ। अरे उसको मार डाला क्या? अबे बिल्कुल सर, आपकी गोली बिल्कुल काम करती है। अरे यार अब जल्दी से माइकल को बचा कर लेकर आओ ताकि हम उससे वो ज़ॉम्बी वाला वायरस हटा पाए और उसको फिर से माइकल बना पाए। अबे जरूर साइंटिस्ट सर, आप अपने आप को बचा कर रखना, बिकॉज आपका बहुत सारा ये एरिया वायरल हो चुका है। भाई साहब गाइस अब जल्दी से नीचे चलते हैं। अरे यार फेंकली भी आप तो सबका खोपड़ा तोड़ डालेंगे यार। अबे अचानक से तेरी आवाज घुस लो गई। अरे पीछे देखो। पीछे भाई साहब पीछे क्या चीज है बता? ओ तेरी की। अरे यार उसने यार कॉल कर दिया था इन सबको यार, अब हम नहीं बचने वाले। अबे कोई बात नहीं भाई साहब, मैं भी गैस पूरा का पूरा रेडी हूँ, अपनी बंदूक निकालूं सबसे पहले। आ जाओ भाई साहब सबके सब मेरे साथ लड़कर दिखाओ भाई साहब ये बंदूक से तुम कैसे ही बचोगे। अरे हमने कब कहा हम लड़ेंगे? अबे तो कौन लड़ेगा? ये लड़ेगा। अबे माइकल तू। अरे यार फेकली भी आप माइकल अंकल को मारोगे क्या?
अबे माइकल देख यार, साइड हो जा भाई साहब, ये हमारा मामला नहीं है भाई साहब, हमने इनको मारना है। तू मेरी बात समझने की कोशिश कर भाई साहब ने की। अरे यार, अरे यार, फेंक दिया यार, अरे यार।